हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं नहा चुकी हूँ, मैंने पूजा कर लिया है और मंदिर जाने के लिए सारा प्रिपरेशन कर दिया है, बस रेडी होना है। और यहाँ पे मैं ना अमायरा का लंच पैक कर रही हूँ। आज अमायरा के स्कूल में ट्राई कलर मतलब हीटलेस फायरलेस कुकिंग कंपटीशन है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो आज मायरा को देना है ब्रेड एंड क्यूकुम्बर और साथ में कैरेट को ग्रेट करके, ताकि तीन कलर का शेड आए। बैग भी रेडी हो गया है, सब कुछ रेडी हो गया है। बस अभी टाइम है, अभी 15 मिनट है अभी टाइम। 8 बजे गाड़ी आती है मायरा की बस, स्कूल बस। तो हम वेट कर रहे हैं उसके स्कूल बस के आने का। उसके बाद मतलब हम 7:55 पे घर से निकलते हैं। उसके बाद मैं आऊँगी इसको छोड़ के एंड देन फिर रेडी होंगी फटाफट से। मैंने अपनी साड़ी निकाल रखी है, थाल भी रेडी है मेरी, मैंने जो पूजा के लिए लेके जाना है वो भी रेडी है। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा करने के लिए और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। एंड अमायरा चली गई है, शैंस को भी जगा दिया है और हम जा रही हूँ पूजा के लिए। तो फटाफट से अपनी थाल ले लेती हूँ। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड अभी बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचा हुआ है। हस्बैंड चले गए हैं नाइट ड्यूटी,
जस्ट ड्यूटी थी तो वो चले गए हैं, हमारा इधर होमवर्क कर लिया है एंड मैं बैठी हूँ क्योंकि अभी कुछ है नहीं करने को क्योंकि हस्बैंड है नहीं, तो बस बैठी हुई हूँ। और आज कुछ पूरे दिन ऐसा करा नहीं था तो आज कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं करा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ नहीं भी कर लेना चाहिए। या एंड आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे एंड कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी टाइम हो गया शूट किए हुए तो थोड़ा लाइक मिसमैच हो जा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें लाइक हो जा रही है मिसमैच, बट ठीक है, धीरे धीरे हम मैनेज कर लेंगे उसको। एंड आपने लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल गया, लगभग 1 लाख व्यूज उस पर आए हैं। तो उस पर ना मैंने नेल पॉलिश लगाया था आई शेडो की मदद से, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट मतलब करा था एंड लाइक मैसेज में भी पूछा था कि कैसे लगाया है, तो उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने आई शेडो की मदद से कैसे लाइक नेल पेंट का लाइक यूज़ लगाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, कैसे लगाया था वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। और हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा सा रिविज़न कर लो। तो मैंने डार्क शेड यूज़ करा था ग्रीन, लाइट शेड से अभी यूज़ ट्राई नहीं करा है, जब ट्राई करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, बट हाँ ग्रीन के साथ यूज़ करा है तो उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। सैंडविच अभी रात को नहीं खाते ना, नहीं। कोई मम्मी नहीं रात को सैंडविच नहीं। सो या अभी चलो मैं बच्चों को अभी डिनर करवा देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखना कैसे आज ही स्कूल में ना फायरलेस कुकिंग करके आई है, उसके बाद से इसके दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ है कि इसको खुद से करना है सब कुछ। तो यहाँ पे ये जैम और बटर खा रही है, सॉरी जैम और ब्रेड खुद से लगाना है। लग जा। सैंडविच खुद बना सकती हूँ मैं, मतलब कि ये नहीं बना सकती। मम्मा शॉपिंग करने जाना कल मेरे लिए ना ककम्बर और कैरेट लाना, ठीक है। शाम को मैं ना अपना सैंडविच बना के खाऊंगी, ठीक है। देखो इधर, देखो इधर, silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. So guys finally मेरा रात का काम खत्म हो गया, ये बहुत गंदा हो गया था तो आज मैंने इसको क्लीन कर दिया अच्छे से, एटलीस्ट 1 वीक हो गया था इसको क्लीन किए हुए, तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया इसको। ये सुबह की सब्जी के लिए डाल दिया है चना, दूध भी बॉयल हो गया ऑलमोस्ट, ये कैस्ट्रॉल रखा है इसमें कुछ नहीं है, इसमें दूध है जो कि अभी लेके जाना है मुझे, और ये थोड़ी तोरी रखी हुई है जो कि कल बनाना है तो इसलिए दही रख दिया है अभी। तो अभी बिल्कुल क्लीन हो गया है अच्छे से सब कुछ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब आज पूरे दिन धूप नहीं थी बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उमस हो रखी है, बिल्कुल चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना वैसा आया है, और मेरे चेहरे पे तो ये सब आम बातें हो गई हैं यहाँ पे। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ सोने, अब मेरा सारा काम हो चुका है, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, सबने डिनर वगैरह कर लिया है, मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ, मैं तो नहीं सोने जा रही हूँ, बच्चों को सुनाऊंगी, फिर वीडियो एडिट करना है व्लॉग जो कि कल आएगा, तो एडिट करके वॉइस ओवर करना है, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, लगभग 1-1.5 घंटे लग ही जाते हैं मुझे, आधा 1 घंटा, एंड देन
रात में अपलोड करना पड़ जाता है मुझे, क्योंकि इधर का नेट बहुत ख़राब है। तो अगर अपलोड नहीं करूँगी रात को तो कल सुबह 10 बजे तक नहीं जाने वाला है। एंड परसों मैंने डाला था तो वो मैंने सुबह आई थिंक 8:30-9 बजे तक डाला था और वो शाम को गई थी वीडियो। तो यहाँ का नेट जो है ना बहुत गंदा चलता है, घर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं चलता, तो इसलिए मैं रात को ही अपलोडिंग में डाल देती हूँ। और फिर जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ ना तब तक वो अपलोड नहीं हुआ होता है, फिर जब मैं मॉर्निंग वॉक पे बाहर निकलती हूँ तब फिर वो अपलोड होता है, तो इसलिए। सो होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और या मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।